विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल वीडियो बनाया था IFMS पोर्टल पर, सरकारी कर्मचारी किस तरीके से अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी को जो है अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी क्रम में दोस्तों IFMS पोर्टल से संबंधित जो दूसरा वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, कैसे एक सरकारी कर्मचारी जो है अपनी पे स्लिप को डाउनलोड कर सकता है। हर महीने जो पे स्लिप निकलती है, यह पे स्लिप दोस्तों काफ़ी सारी जगह पर काम आती है। आपको कहीं भी लगानी हो, लोन लेना हो, बैंक डिटेल देनी हो, कोई भी जानकारी देनी हो, तो इस पे स्लिप से जो है बहुत सारा आपका काम हो जाता है। तो ये पे स्लिप किस तरीके से निकलेगी, वही हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, हमें सिर्फ IFMS को जो है लॉगिन करना है। IFMS लॉगिन आप लिखेंगे गूगल पर, इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो पहला पेज आ रहा है, पे स्लिप IFMS साइबर ट्रेजरी, इस पर क्लिक करते से ही एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है। ये ओपन हो गया है पॉपअप विंडो। यहाँ पर जो है हमारे यूज़र आईडी पासवर्ड हमने पहले से सेव कर रखे हैं, आप लोगों के सेव नहीं होंगे तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डालेंगे और पासवर्ड जो आपको कार्यालय से मिलता है वह डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, और फिल करने के बाद हम यहाँ से इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये जो फर्स्ट पेज ओपन होगा आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का, ये एक OTP आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस मैनेजमेंट सिस्टम की एक जो और बीच बीच में जो परेशानी आती है वो ये आती है कि इसका हमें पासवर्ड भी जो है बनाना पड़ता है, और पासवर्ड हमें जो है इसका रीसेट करना पड़ता है। ये अलग अलग तरीके से जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ सीधा सा होम पर क्लिक कर दीजिए, तो भी जो है दोस्तों आपको यहाँ से काम चल जाएगा। अब जब ये आपकी होम सेटिंग्स आ गई हैं, तो आपको यहाँ HRMIS होम पर जाकर यहाँ ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि आप एम्प्लॉय डिटेल, एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल, नॉमिनी डिटेल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वह वीडियो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ आई बटन पर जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के अंत में उसको देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको रिपोर्ट्स में आना है, और रिपोर्ट्स में आने के बाद देखिए यहाँ लिख रहा है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट, बस यहीं पर आपको क्लिक करना है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट पर। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ देखिए आपको वर्ष सेलेक्ट करना है और महीना सेलेक्ट करना है। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 2021, और हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अगस्त, और यहाँ से हमें जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा दोस्तों, जिसमें कि जो है सैलरी पूरी लिखी आएगी, और सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है पे स्लिप अगस्त की, ये पे स्लिप है, और यहाँ पर आपका एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का GPF नंबर, एम्प्लॉय का कोड, ज्वाइनिंग डेट बर्थ, यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। और आप जिस भी महीने का जनरेट करना चाहते हैं उस महीने का आप इसी प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर जो है जिस महीने का चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ष अगर आपको पुराने भी चाहिए 2020 के, तो आप यहाँ से वर्ष को सिलेक्ट करने के बाद जिस महीने की आपको पे स्लिप चाहिए वो आप यहाँ से ईजिली दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, किस तरीके से आप अपनी पे स्लिप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप IFMS पोर्टल से संबंधित कैसे और वीडियो भविष्य में जो है हमसे चाहते हैं, हम उन वीडियो को बनाने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।